अब पुनः अयोध्या में वैसी ही परिस्थिति पैदा की जा रही है और अब न्यास के कार्याध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का शिला पूजन दरअसल प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश है। सब जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अभी दस्तावेजों का अनुवाद भी नहीं हुआ है। मिनिस्टर इज रिस्पोंडिंग का काम या सन 1990 से लगातार मिनिस्टर इज रिस्पोंडिंग और जो विवादित स्थल है उससे वो लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा दूर है विवादित स्थल से। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमारी सरकार का और हमारी पार्टी का दोनों का मत है कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान होना चाहिए और हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे, इसलिए जो है इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये निषेध है सर कि अगर समथिंग इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट दैट इज ए सब जुडिस मैटर सर दैट कैन नॉट बी डिस्कस नथिंग कैन बी अल्टर्ड सर। जब ये मामला मान्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अभी कोई फैसला नहीं आया है तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ पर कोई गलत काम ना होने दिया जाए। समाजवादी पार्टी के पास कोई कार्य है नहीं, हत्या लूट अपहरण बलात्कार इनका पेशा बन चुका है। जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए यह सरकार इस प्रकार के अनावश्यक मुद्दों पर ध्यान दे रही है। जहाँ तक अयोध्या का प्रश्न है, 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है उसके तहत विवादित भूमि राम जन्म भूमि में यह साबित हो चुका है। वहाँ मंदिर था, मंदिर है, भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।